देखते हैं क्या होता है। कमरे की सारी सफाई हो गई, मतलब झाड़ू लग चुका है, मशीन दोबारा लगा दी है और जो कल के कपड़े थे वो इधर डाल दिए, क्योंकि बाहर जैसे ही मैंने डाले बारिश आ गई थी। अब देखो फिर धूप निकल आई है, अभी भी कितने सारे कपड़े पड़े हैं। देखो ये साफ़ कर दिया है, कमरा पंखा चलाओ। यहाँ पे लूना ने शायद वॉमिट कर दिया था, इसको क्लीन करना पड़ेगा। ये बॉक्स धुल गया, ऊपर जाएगा। और विनीता बर्तन कर गई थी, थोड़े से ही थे वैसे तो, कर गई थी तो अब बस बर्तन संभालूंगी। उधर मेरी पोछे की बाल्टी भर रही है तो बस अब मैं पोछा लगाती हूँ। और आज ना मैंने देखा सब ख़त्म है, फिनाइल, रेड हापिक, ब्लू हापिक, सब कुछ ख़त्म है। आज ये पोछे भी सब धुलेंगे, धो तो सब कुछ दूंगी, रुकाऊंगी कहाँ। नहीं तो बर्तन मांझ गई थी तो बस वो समेटने हैं बर्तन मुझे, और ब्रेकफास्ट वगैरह देखती हूँ। अभी दिया उठी नहीं है, वैसे वो कह रही है कि उसने जो रात को मैंने सब्जियाँ बनाई थी ना वो गर्म करके ब्रेड के साथ खा लिया, तो उसे बहुत ही अभी थी। और अभी मैंने बाल्टी बनाई पोछे की तो देखा सारा सामान ख़त्म है। ये दो दिन में पंखा गंदा कैसे हो जाता है, इतना बाल ही बाल लटके पड़े हैं, फिर साफ़ करवाना पड़ेगा। तो फिनाइल, रेड हार्पिक, ब्लू हार्पिक, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। अब मैं आज बैठ के लिस्ट बनाऊंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि अभी ना सबके फ़ोन आ रहे हैं। और जिन लोगों को आज पता चल रहा है व्लॉग देख के कि कल मेरा बर्थडे था, तो वो लोग सब कॉल कर रहे हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। विशेस तो यार मुझे बहुत पसंद है, कितने भी मिले मेरे को कम ही लगती हैं, तो सबको अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कॉल्स भी ले रही हूँ, साथ साथ काम भी कर रही हूँ, और साथ साथ मेरी बैक में भी पेन हो रहा है। कल भी मैं दवाई खा के सोई थी, मैंने बताया था ना, पता नहीं कौन सा झटका लग गया, कहाँ से कौन सा मैंने ठुमका मार दिया ऐसा, जो मेरी बैक में पेन शुरू हो गई। और समरे कभी उठ ही नहीं रहा, उसको तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, तो बताता भी नहीं है ना कुछ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। कल भी बोला था जा दवाई ले आ, चला जा खुद से, अब तो इतना बड़ा हो गया है, मेरे लिए ला सकता है तो अपने लिए भी ला सकता है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए आराम करने, तो मुझे नींद आ गई। बस चलिए मेरा फटाफट से काम ख़त्म हो, एक कमरा हो गया, उधर जाती हूँ। वो दरवाज़ा बंद कर रखा है दोनों लूना पोको के चक्कर में, एक हाथ में फ़ोन पकड़ के काम नहीं हो पाएगा। आती हूँ, नहा लिया धो लिया, बाथरूम भी अच्छे से चमका के आ गई हूँ, घर की सफाई भी कर दी है, सिर्फ बर्तन संभालने वाला किचन में अभी मैंने घुसी हूँ, सिर्फ दूध उबाला था और चाय बनाई थी सुबह। अब ब्रेकफास्ट के लिए मैंने फ्रिज में देखा तो इतनी सी भिंडी है, इतना सा पनीर भुर्जी है, इतनी सी कढ़ी है, पराठा नहीं गूंदा हुआ, ब्रेड के साथ कढ़ी तो नहीं अच्छी लगेगी, और वो भी नहीं अच्छा लगेगा, लबाबदार पनीर भी नहीं अच्छा लगेगा, और दाल तो बिल्कुल ही बेकार थी रात को। तो लेट्स सी क्या खाती हूँ, खाली ब्रेड मक्खन लगा के खाती हूँ या क्या करती हूँ अभी पता नहीं है, अभी भूख भी नहीं लग रही तो देखती हूँ। वैसे मेरा कुलचे छोले खाने का मन कर रहा है, बट पेट ख़राब है, गड़बड़ हो जाएगी अगर मैंने कुलचे छोले मंगाए। लेट्स सी, ब्रेड ही खानी पड़ेगी आती। चलो भाई, सैमी से बात हो गई, दिया तो कुछ खा नहीं रही, और सैमी कह रहा है कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाना चाहता, मम्मी आप घर में कुछ भी बना लो, खिचड़ी भी बना लो तो मैं खा लूँगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में, आज खिचड़ी नहीं, आज चने की दाल वाली खिचड़ी बनाती हूँ जो चावल की तरह बनती है, तो वो शाम तक मेरी चल जाएगी, तो रात को फिर देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है ना, राशन अभी मैंने मंगवाया नहीं है, इवन लिस्ट भी नहीं बनाई है, तो अभी दालें ना इतनी 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 दालें रखी हैं, तो इसलिए मैं तो दाल वाल बना नहीं पा रही। तो चने की दाल वाले चावल बनाते हैं, पहले चने की दाल को भिगो के रखना पड़ेगा थोड़ा सा गर्म पानी में, ताकि वो थोड़े से गल जाए, उसके बाद फिर बेसन डालेंगे। तो मैं लगूँ काम पे, चाकू रख के आ गई थी मैं, दिख रहा है टाइम 4 बज गए। दोबारा दिखाती हूँ, ये देखो ब्रेकफास्ट पहला मील करते करते ही 4 बज गए हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं, सैमी तो बिल्कुल ही नहीं उठा। अब ये स्टीम हो गई इसकी ख़त्म, खोलते हैं। आज बने हैं ना परफेक्ट, टोटका काम कर गया जो पहले उबालने का था, बस थोड़े से और समझेंगे, पर मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो थोड़े से खा रही हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगी चाय के साथ। मुझे ये ना चावल चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, एक एक दाना अलग अलग। चलिए बंद कर देती हूँ। ये देखो वहाँ से भाग के आई है, दरवाज़ा खुलते ही विनीता आई थी तो मैं गई हूँ, और ये आते ही देखो मेरे को लाड करना शुरू हो गई है, खाना खा चुकी है। अभी मैंने इसको बड़फ दी थी, बड़फ खाई, बड़फ लूना, बड़फ खाई और खानी है।
कहाँ है बड़फ? बड़फ कहाँ है? बड़फ बड़फ से समझती है, बड़फ खानी है। ए ए लुड़की, ए लुड़की पुलकी, बड़फ खानी है? बड़फ बड़फ दू क्या? आइसक्रीम खानी है? आइसक्रीम कहाँ हुआ? खुजली क्यों हो रही है? कौन खुजली हो रही है यहाँ पे? ऐसे क्यों हो रही है खुजली? आपने नाई नाई नहीं की ना इस वीक, है ना? नाई नाई नहीं की ना? डॉक्टर ने मना कर दिया था नहलाने से, इन्फेक्शन था ना स्टमक में। आइसक्रीम खाई की? आइसक्रीम, चलो चलो आइसक्रीम दो, चलो 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 आइसक्रीम आइसक्रीम, चलो 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 आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम, चलो चलो चलो। वो देखो देखो पहले, हाँ कहाँ है आइसक्रीम? ये रही, मेरी चाय कड़ गई। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, ये तो आइसक्रीम है। हाँ खानी है, खानी है। चलिए इसको आइसक्रीम दे देती हूँ। मैं चाय लेके आई हूँ, उसको आइसक्रीम डाल के आई हूँ, बट ये लड़की खा ही नहीं रही। मैं हाथ से खिला रही हूँ तो खा रही है, ये कोई बात होती है? मैं हाथ से थोड़ी खिलाऊंगी। खाओ उसको, उधर मेल्ट हो रही है सारी। खाओ आइसक्रीम, खाओ उधर से, खाओ उधर से, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ ना, ये ले। मैं खड़ी होके खिलाऊं इसको, बताओ। मैं थोड़े से चावल लेने आई हूँ, मैंने वापस से ढक्कन लगा के रख दिए थे, ये देखिए। चलिए 6 बज गए हैं यार। मैं ना समृत को 2-3 बार उठा चुकी हूँ सुबह से, वो लड़का एक बार भी नहीं उठा, उठ के पानी भी नहीं पिया उसने अभी भी। खिचड़ी बनाने से पहले मैंने उसको कॉल किया था तो नींद नींद में मेरे को जवाब दे दिया कि आप खिचड़ी बना लो, मैं वो खा लूँगा पर बाजार का नहीं खाऊँगा। उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मेरे को टेंशन हो रही है यार, इतना इतना कौन सा वीकनेस हो रहा है उसको। मुझे लग रहा है कि मैं इनको फ़ोन करती हूँ, इसको एक बार डॉक्टर को दिखा के आना पड़ेगा या कोई टेस्ट वेस्ट करवाने पड़ेंगे। इतनी वीकनेस भैया, सुबह से लड़का एक बार नहीं उठा, आज तो सुबह खेलने भी नहीं गया। नहीं तो चलो स्कूल जाने से पहले, कल तो एक बार खेलने चला गया था, फिर स्कूल गया, फिर आया। बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है उसकी, पसीना बहुत आता है ना। गवर्नमेंट स्कूल में एसी वगैरह तो होते नहीं, पंखे ही बहुत रेयर होते हैं, तो मुझे लग रहा है ना कुछ ज़्यादा ही इसने अपने आप को ड्रेन कर लिया है। मैंने ना मीशो से ये वाला तो मेरा ख़राब हो गया था, इसमें कपूर जलता है, पर ये ख़राब हो गया था सिर्फ, अब ये लैंप का काम करता है। तो मैंने ये वाले कपूरदानी मंगवाई है, कल मैंने इस प्लेट पे रख के कपूर की धुनी की थी घर में, और बाहर भी एक लगाई है, दो का पेयर मंगवाया मैंने, दो एक साथ कॉम्बो में, एक वहाँ पे लगाया है एंट्रेंस के दरवाजे के वहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कर दूँ घर में, थोड़ी सी कपूर की धुनी और कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा वहम सा आ रहा है, बच्चे दोनों ही ढीले हुए जा रहे हैं। मैं खुद कल शाम से मेरे ये पूरा हिप पोर्शन जो है ना, ये यहाँ पे पूरे बैक में, ऐसे पूरे में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कल भी मैंने गोली खाई थी, अभी फिर मैंने गोली खाई है, तब मैं उठ के खड़ी हुई हूँ खाना बनाने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सभी बीमार हुए जा रहे हैं यार। डर लग रहा है मुझे यार, वेदर है कि क्या है। अब आते हैं ना, या इनको कॉल करके बोलती हूँ इसको लेके जाएं डॉक्टर के पास। नाइट हो गई है, 9 बज गए हैं। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से कॉल पे थी और ये एक दो बार आए थे मेरे पास। क्या बनाया? ओके अच्छा, कढ़ाई देख के समझ गई मैं। ओके हाँ, तो आप लोगों की है शक्ल क्या? मेरे लिए थोड़ी, मेरे वो कहाँ है मेरे चावल? हाँ बस मैं तो वही खाऊंगी। चलो जी, आज एक दिन ऊपर, मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद चिकन बन गया है। ये मेरी कमर में दर्द हो रहा है, चिकन बन चुका है। तो जितनी देर मैं गप्पे मार रही थी उतनी देर में इन्होंने डिसीजन ले लिया, चिकन बना भी लिया। अगर मुझसे पूछते तो मैं मना कर देती ना, इसलिए बना लिया। सैमी ने भी अग्री किया होगा तभी बनाया, क्योंकि सैमी मना कर रहा था कि मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। तो दिन में तो खिचड़ी खा ली थी उसने, अब नहीं खाने का मन होगा। तो अभी मुझे फिर जाना है कॉल पे, क्योंकि बहुत अरसे बाद मैं बंधु से बात कर रही हूँ। बंधु वीना मैम की बेटी है, तो मेरी छोटी बहन है। तो इतने टाइम बाद, मतलब कई सालों बाद, मतलब गिनती नहीं है मेरे पास, तो शायद वर्ड्स ही नहीं। मेरी शादी के बाद शायद 1 या 2 बार हमारी बात हुई होगी, बहुत टाइम बाद बात हो रही है, तो बहुत सारी बातें हैं करने वाली। तो मैं अभी आपको गुड बाय शुड बाय कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर दोबारा आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू, आप लोगों की विशेस मेरे तक आई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सब ने मुझे विश किया बर्थडे का, थैंक यू सो मच।
कल भी मेरे ऑफिस कुलीग्स, मेरे जितने भी नोन में हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितना भी मेरा परिवार है, सब ने मुझे विशेस भेजे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, स्नैप के थ्रू, और आज आप लोगों ने यूट्यूब के थ्रू। तो कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरे लिए विशेस नहीं आई हैं। तो मैं इतनी ओवरवेल्म हूँ ना आप लोगों की विशेस से, इतना अच्छा फील कर रही हूँ, इतना अच्छा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती मतलब क्या फीलिंग है ये। तो अगर कोई एक आधा रह भी गया हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको नहीं विश करना था उसने नहीं किया, बाकी सब ने तो किया, इतने लोगों में इतना दिक्कत कोई रह गया तो कोई बात नहीं। तो इसी खुशी के साथ, इसी हैप्पीनेस के साथ, इसी तसल्ली के साथ कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ 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 हाँ, देख लूँगी देख लूँगी। तो कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और सेहत बहुत ज़रूरी चाहिए, दो दिन हो गए कि जो हल्का 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 दर्द हुए जा रहा है ना, हुए जा रहा है, बड़ा दुखी कर रहा है। पहले पेट में हो रहा था, अब ये पीछे बैक के हिप के बोन में हो रहा है। ठीक है, गोली खाओ, काम चलाओ। तो कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गप्पा छप्पा मारेंगे। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। इनको इग्नोर करना, ही इज़ नॉट प्रेजेंटेबल। ऊपर से क्या होता है, नीचे से देखो। आज वॉइस ओवर पे बनेगा वीडियो, क्योंकि बाहर ढोल बज रहा है, किसी के घर में शादी हो रही है या कोई फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ तक का तो ठीक है, इसके बाद का जो है वो वॉइस ओवर में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाती हूँ आपको। बंद हो चुका है, तो एक बार फिर मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मैं वो क्लिप डालूंगी जो मैंने पहले बनाई है, जिसमें मैंने वॉइस ओवर में बात की है। तो सूखे हुए कपड़े यहाँ आ चुके हैं, कुरियर्स मैंने सारे खोल लिए हैं, दिखाने वाली चीज़ें जो हैं वो दिखाऊंगी अभी आराम से। नेक्स्ट, जो कल का पूरा दिन लॉट इसमें पड़ा रहा, जो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा सुखाना, क्योंकि बादल बने हुए थे तो मैं अवॉइड कर रही थी, रात को भी बहुत ज़्यादा बादल थे, तो वो मैं अब सुखा चुकी हूँ, सफाई हो चुकी है, बर्तन हो चुके हैं, विनीता करके जा चुकी है। अब मुझे पीनी है चाय पियेंगे, और मेरा मसूड़ा फूल गया है यहाँ का, वो मुझे दिखाने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अटक रहा है दांतों के बीच में, कुछ बोलते हुए खाते हुए वो बीच में आ रहा है। तो चलिए पहले चाय तो पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा, कैसे होगा। और ये देखिए साहब घूम के आ गए, कहाँ गए थे, अंडे लाना भूल गए, तो आप ट्रे ही लेके आना फिर। चाचा अंडे क्या करने हैं, फिर ट्रे ही आएगी ना जब डब्बा आ गया। दिखाती हूँ आपको डब्बा, पहले जो मैंने मंगाया था वो डबल लेयर वाला था, तो वो उसमें लॉक सिस्टम होता था, तो लॉक सिस्टम ये मैनेज नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ महीने में ही वो तोड़ दिया था। तो अब मैंने फ्लैप वाला मंगवाया है, इसमें है 24x का बॉक्स है, वो 36 का था, ये 24x का है, तो ठीक है इतना भी बहुत है। तो इसको फ्लैप को ओपन करके यहाँ से एयर टाइट है, और ये अंडे इसमें रखे जा सकते हैं, और फ्लैट है तो उसमें इजीली आ जाएगा। और एक मैंने ये मंगवाया था, मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि मुझे ना यहाँ पे फ्राई पैन वगैरह और जैसे छन्नी वगैरह टांगने के लिए वो चाहिए, क्लिप्स चाहिए जिससे कि मैं इस पर टांग सकूँ, तो ये वाला मैंने मंगवाया है। मैंने मंगवाया है जो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा शेल्फ में और ये टंग जाएगा, तो एक और भी मंगवाऊंगी, दो हो जाएंगे ना, तो दो पे फ्राई पैन, छन्नी, ये सब मुझे बड़े बड़े बर्तन यहाँ टांगने पड़ रहे हैं ना, जो वो ऊपर चले जाएंगे, तो अभी इनसे ये टंगवा के, और ये फ्राई पैन वगैरह जो मुझे नीचे रखने पड़ते हैं उसके लिए बार बार झुकना पड़ता है, वो दिक्कत होती है। और इसके साथ ना ये क्लिप आया है जो कि मुझे कहीं और यूज़ हो जाएगा, जो मेरा यहाँ पे पॉलीथिन का बैग है ना वो मैं यहाँ टांग सकती हूँ, देखती हूँ अगर इस पर होल्ड हो जाता है तो। चलिए ट्राई करते हैं।
संडे इज़ अ प्रॉपर हॉलीडे। नाश्ता बच्चे दोनों बाहर करने गए थे, सेक्टर 3 गए थे अपनी पसंद का कुछ गोपाल जी के भटूरे छोले खाने। तो हमारे लिए, मेरे और इनके लिए, पूड़ी और ब्रेड पकोड़ा ले आए थे। तो मैंने अपना ब्रेड पकोड़ा खा लिया, पूड़ी रखी है इनकी एक, और दोनों लूना कोको को हमने एग डाला था आज, पर कोको ने नहीं खाया। और दिन के लिए मेरे पास कढ़ी पनीर और दाल, और ये है नॉन वेज जो कल बनाया था, पनीर की सब्जी, ये तो फेंकूँगी मैं, बहुत दिन हो गए। और उसमें भी कुछ है, चावल है शायद, वो चावल, और अभी भी आलू वो बॉईल किए हुए रखे हुए हैं। पर विनीता की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आटा नहीं गूंद के गई आज, तो अभी दिन में आएगी तब आटा गूंदेगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक क्लीन करना है आज, जो फेंकना है फेंकूँ, जो खाने वाला है वो खाएँ और ख़त्म करें। मैं जा रही हूँ नहाने, ये जो दूसरा गाउन मैंने ऑर्डर किया था ये भी आ गया आज, तो ये मैं पहनूंगी अभी नहा के, क्योंकि अभी हम बाहर नहीं जा रहे। शाम को हम दोनों जाएंगे राज मंदिर, तो नाहरपुर वाला तो मैंने लिस्ट लिखवा दी अग्रवाल स्टोर पे, तो वहाँ से राशन पैक होके आ जाएगा शाम को। और जो इधर वाला है राज मंदिर वाला, वो हम दोनों शाम को जाएंगे और लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे खुद ही जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसी बहाने मैं भी चली जाऊँगी, अदरवाइज़ तो यही जाके लेके आते।